Hi guys, welcome to my channel Sai Chetnas and Creations. Let's get started. Small screen ke piche ki kahani, stars ki apni zubani. To star se swagat kijiye, Devraj Indra ka. Hi Chetna, how are you? This is the answer of your question number one, which is आपको देवराज इंद्र का किरदार कब और कैसे मिला, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? यार देवराज इंद्र का जो कैरेक्टर था उसका ये सीन था कि मैं इनका एक शो कर रहा था स्वास्तिक प्रोडक्शंस का सूर्यपुत्र कर्ण, उसमें आई वॉज प्लेइंग अश्वत्थामा। तो उसमें मेरा कैरेक्टर इनको बहुत अच्छा लगा, मेरी एक्टिंग सबको बहुत अच्छी लगी प्रोडक्शन हाउस में और सोनी चैनल में भी। सो तब उन्होंने मुझे सोचा कि मेरा एक लुक टेस्ट और एक ऑडिशन करते हैं देवराज इंद्र का। तो फिर मेरा इन्होंने ऑडिशन और लुक टेस्ट किया और ऑडिशन लुक टेस्ट होने के बाद मैं भूल गया। उसके दो ढाई महीने के बाद दे कॉल्ड मी बिकॉज कोई और एक्टर आई थिंक पहले देवराज इंद्र कर रहा था, ही इज ए बिग फिल्म एक्टर नाउ, लेट्स नॉट टेक हिज नेम। तो एंड मोमेंट पे ही सेड कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये बहुत टफ है, इसमें एक्शन है, ये है वो है। तो देन एट द लास्ट मोमेंट रात को 2:30 बजे मुझे कॉल आया कि हम आपको एक बार फिर से लुक टेस्ट करना चाहते हैं। मैंने एक बार फिर से लुक टेस्ट दिया रात को 2:30-3 बजे और सुबह 4 बजे फिर मैं उस टाइम उमरगांव में ही था, तो उमरगांव से मैं सुबह 4 बजे निकला, 7 बजे मैं अपने घर पहुंचा, नहा धो के 8:30-9 बजे मैं सेट पे पहुंच गया था शनि के। दैट वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ माई, और उस दिन शनि का भी फर्स्ट डे का ही शूट था। सो ये है स्टोरी ऑफ मेरे देवराज इंद्र के रोल करने की। सो दिस इज योर आंसर नंबर टू, वो है कि आपको अपने इंद्र के किरदार को समझने और खुद को उसके अकॉर्डिंग डालने में कितना वक्त लगता था, किस तरह से कैरेक्टर को बनाने की कोशिश करते थे। यार मेकअप वेकअप की अगर बात की जाए, मेकअप कॉस्ट्यूम और इन सबको आधा पौना घंटा लगता है मैक्सिमम, बट ये होता है कि आपको स्क्रिप्ट पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग ढलने में थोड़ा टाइम लगता है। 2-3-4 एपिसोड अगर आप देखते हो कोई भी शो, तो जो भी एक्टर पहले 3-4-5 एपिसोड में काम करता है वो बहुत ढीला सा रहता है। यू नो 3-4 एपिसोड 5 एपिसोड करने के बाद उसको समझ आती है कि उसके कैरेक्टर की क्या डिमांड है। कोई भी सीरियल देख लो आप, तो हर एक्टर को 3-4-5 एपिसोड लगते हैं थोड़ा सा उस कैरेक्टर को समझने में, उसके अंदर घुसने में। तो यही था, और बनाने की कोशिश तो यार बहुत सारे लोग होते हैं एक कैरेक्टर को बनाने में, सिर्फ एक्टर का हाथ नहीं होता है, राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, कैमरामैन होता है, कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग मेकअप, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। और मैं ये है कि कैरेक्टर से बाहर आने में मैं बहुत ही स्विच ऑन स्विच ऑफ टाइप कैरेक्टर हूँ यार, मैं बहुत रिसर्च ज़्यादा करता नहीं हूँ। मैं जब स्टूडियो के अंदर जाता हूँ तो मैं एक्टर बन जाता हूँ, और जब मैं स्टूडियो के गेट से बाहर निकलता हूँ तो मैं एक नॉर्मल आदमी बन जाता हूँ, विच इज वेरी गुड फॉर एवरीवन, कि जब आप अपने काम से बाहर आओ तो आप उसको भूल जाओ। सो दैट इज द थिंग। हाय चेतना, दिस इज आंसर नंबर 3, और क्वेश्चन है आपकी शनि की जर्नी में आपको अपने कैरेक्टर में सबसे चैलेंजिंग क्या लगता था। यार सब कुछ चैलेंजिंग था यार, बेसिकली चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि आपको उस कॉस्ट्यूम में, उस मुकुट में, उस ज्वेलरी में इतना भारी भरकम सामान पहन के शूट करना, और वेदर कंडीशंस भी होती हैं, फिर सेट कंडीशंस भी होती हैं, और ऐसा तो होता नहीं कि एक बार आपने यू नो डायलॉग बोल दिया तो खत्म हो गया। कई बार एक्टर की तरफ से प्रॉब्लम होती है, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार कॉस्ट्यूम का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी मेकअप का प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं यार, बट वी ऑल एंजॉय ऑल दिस इज द प्रोसेस यार, वी ऑल एंजॉय दिस थिंग। सो चैलेंजिंग तो था ही, और उन्हीं चैलेंजेस में मजा है यार। हाँ कभी कभी जब आपको बहुत लंबा शूट करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा लगता है, यू नो 12-13-14 घंटे के बाद जब आप शूट करते हो देन इट्स अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, बट इट्स गुड यार, आई लव ऑल दीज थिंग्स। हाय चेतना, दिस इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, जो है कि जिस तरह का कैरेक्टर था देवराज इंद्र का शो में, वो जो चाले चला करते थे, आपको इंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कितना गलत लगता था। यार उसका लॉजिक ये है कि वो एक रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है जो बहुत ही अलग है।
और मैं अपनी रियल लाइफ में मैं बहुत ही पॉजिटिव बंदा हूँ यार। मैं किसी के साथ कुछ गलत करता नहीं हूँ और ना ही गलत होने देता हूँ। तो बहुत ही अलग था जो देवराजेंद्र, और मेरा आयरनी ऑफ लाइफ ऐसा रहा है कि मैंने मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स ही किए, चाहे वो माइथो हिस्टोरिकल्स हो या सोशल हो या कोई यूथ बेस्ड हो। तो मैंने बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, बट अभी मज़ा आने लगा वो करने में। तो ऐसा कुछ सिमिलैरिटीज दोनों में होती नहीं है। हाय, दिस इज़ फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। द आंसर जो है उसका है, क्वेश्चन है कि आप अब तक 3 बार इंद्र का किरदार निभा चुके हो और अब चौथी बार में नहीं आ रहा हूँ, कोई आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है? नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है यार। ये बेसिकली डेस्टिनी होती है कि यार जो चीज़ आपको आती जाती है और आप हाँ बोलते जाते हो, और कुछ बीच में दूसरे ऑफर्स भी आए थे जो इतने अच्छे नहीं थे, कैरेक्टर वाइज भी और मॉनेटरी वाइज भी। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि दिस इज़ गुड, मैं वो कर लेता हूँ, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। और फ्यूचर में भी अगर आपको फिर से इंद्र का करना पड़े तो आई डोंट नो यार, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेट्स सी, अगर बहुत अच्छा होगा, सेंट्रल करेक्टर होगा या मेन नेगेटिव होगा तो क्यों नहीं, वाई नॉट, वुड लव टू डू दैट। दिस इज़ फॉर आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कि क्या आप मानते हैं कि ये किरदार आपकी लाइफ में गेम चेंजर या माइलस्टोन साबित हुआ, आपको वर्ल्ड वाइड पहचान मिली? डेफिनेटली आई डू बिलीव इन दैट यार, मैं पक्का इस बात में बिलीव करता हूँ कि ये गेम चेंजर हर एक्टर की लाइफ में, हर किसी भी क्रिएटिव पर्सन की लाइफ में या किसी भी प्रोफेशनल की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है, एक साल ऐसा आता है जिसमें उसको लगता है कि नहीं यार, हाँ अब गेम थोड़ी चेंज हो रही है। बट उस गेम चेंज को आपको हमेशा के लिए नहीं लेना चाहिए, उसको आपको ये है कि आपको हमेशा खुद को रिवाइव करते रहना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, बट हाँ, दैट वॉज अ गेम चेंजर ऑफ माई लाइफ एंड आई ट्रूली 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 वेरी 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 थैंकफुल टू स्वास्तिक प्रोडक्शंस फॉर दैट। हाय, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 7 कि मैंने आज तक टीवी शोज में, बहुत से टीवी शोज में काम किए जिसमें से कई माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल शोज भी हैं, कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होता है माइथो शोज में काम करना कंपेयर टू डेली शो? डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है यार, बहुत चैलेंजिंग होता है माइथो हिस्टोरिकल्स में। पहली बात तो कॉस्ट्यूम्स बहुत हैवी रहती है, और दूसरा है कि आपके जो डायलॉग्स रहते हैं वो भी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाले नहीं होते हैं, बट यही तो एक चैलेंज है। अगर आप खुद को चैलेंज नहीं दोगे तो आप एक बेटर एक्टर, एक बेटर ह्यूमन बीइंग कैसे बनोगे? सो आई लव ऑल द फॉर्म्स यार, मुझे हिस्टोरिकल, माइथो, सोशल्स, कोई भी जॉनर हो, आई लव डूइंग इट। दिस इज़ फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है कि क्या आप भी मानते हैं कि लाइफ में एक बार हर एक्टर को माइथो करेक्टर करना ही चाहिए? यार इट डिपेंड्स, ज़रूरी नहीं है। हर एक्टर का एक अलग अलग सोच रहती है। पहले ऐसा था कि लोग सोचते थे कि माइथो कर लिया तो अभी तो सिर्फ माइथो ही होगा, बट ऐसा नहीं। अब तो रणवीर सिंह से लेके एवरीबडी, इवन सलमान खान ने भी हिस्टोरिकल माइथोज और वो सब करेक्टर्स किए। हाँ, चैलेंजिंग होता है, डिफिकल्ट होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक्टर को करना ही करना है। हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे की अपनी चॉइस है, तो जिसको जैसा लगे उसको वैसे करना चाहिए। बाकी I love what I'm doing right now. This is for question number 9, और question है ये किरदार आपके दिल के कितना करीब है? यार definitely ये मेरे दिल के बहुत करीब है यार। मैंने close to 21-22 महीने, मतलब close to 2 साल मैंने ये show किया है, करम फलदाता शनि, और ये मैंने देवराजेंद्र का किरदार निभाया है, तो मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगा यार। मेरे मेरे दिल के सभी जो भी कैरेक्टर्स मैं करता हूँ मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, या मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है, या कैरेक्टर ही नहीं चला, बट आई लव व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। हाय, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। वो है कि फैंस अक्सर इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं शो से, उसके हर एक करेक्टर से, क्योंकि आपका करेक्टर नेगेटिव था, तो क्या आपको लोगों की हेट्रेड का भी सामना करना पड़ता है? डेफिनेटली यार, डेफिनेटली लोगों की हेट्रेड का सामना करना पड़ता है। और कितनी बार आपको लोग आपको फीमेल फैन फॉलोइंग की तरफ से आता है कि आप क्यों उस पॉजिटिव करेक्टर्स के साथ इतना बुरा कर रहे हैं, बट मैं उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूं कि मैं उसको इतनी कन्विक्शन के साथ कर रहा हूं, इतने अपने अपने पूरे जुनून के साथ कर रहा हूं कि पीपल आर लविंग इट। सो आई ऑलवेज टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। और बहुत सारे होते हैं, एक बार मॉल में था तो एक बच्चा मेरे को आके बोलता है कि अंकल आप बहुत बुरे हो, आप शनि के साथ बहुत बुरा कर रहे हो, या जब मैं साडा हक कर रहा था तो तब भी ऐसा हुआ था मेरे साथ कि 3-4 टीनेजर्स मेरे पास आके बोलते थे कि यू आर डूइंग वेरी बैड टू द गाय परम, द गाय हु वाज प्लेइंग ओवर देयर। सो दिस इज ओके, दिस इज आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, आप एक करेक्टर को अपनी जान दे के बना रहे हो।
हाय, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 विच इज इस शो को इंद्र के किरदार को आपको इतना प्यार दिया, इतना अप्रिशिएट किया सब लोगों ने पूरी दुनिया में, कैसा फील होता है यार? बहुत अच्छी फीलिंग आती है यार, आपका जब काम को अप्रिसिएशन मिलती है, किसी भी काम को अप्रिसिएशन मिलती है तो एज ए क्रिएटिव और एज ए नॉर्मल एनी प्रोफेशनल आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है. सो इट्स ए वेरी गुड फीलिंग, इट्स ए ग्रेट फीलिंग. उसके के साथ मैंने 5 शोज किए हैं. मेरी शुरुआत हुई थी सूर्यपुत्र कर्ण से, फिर मैंने इनका एक बाल कृष्णा शो आया था उसमें मैंने शिव प्ले किया था कुछ एक एपिसोड्स के लिए, बिकॉज उनका शिव जो था वो ही वॉज नॉट वेल, सो मैंने उसको रिप्लेस किया था. फिर मैंने इनके साथ किया कर्म फलदाता शनि, फिर मैंने इनके साथ किया महाकाली, और अब मैं कर रहा हूँ देवी आदि शक्ति. 5 शोज मैंने इनके साथ किए हैं एंड स्वास्तिक इज नाउ होम, यार फैमिली है. तो और सिद्धार्थ सर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है. इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट पर्सन आई एम वर्कड विद इन माई लाइफ एंड ही सुपर कूल यार. और सेम थिंग विद राहुल तिवारी सर, ही इज ऑल्सो वेरी गुड यार, ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर. वो मतलब ऐसा कोई प्रोड्यूसर ऐसे होते नहीं है कि जो आपको फोन करके दे डायरेक्टली आस्क क्योंकि एवरीथिंग इज ओके एंड ऑल. तो एवरीथिंग इज गुड यार, ही इज लाइक ए सुपर, बोथ ब्रदर्स आर सुपर कूल, दे आर वेरी नाइस एंड लव वर्किंग विद देम. दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन विच इज इस करेक्टर के लिए मैंने क्या तैयारी की थी. यार मुझे तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिला था. एज आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट आंसर कि मेरे को रात को 3:30 बजे फाइनलाइज किया गया था और सुबह 4:30 बजे मैं उमरगांव से निकला था और 7 बजे मैं अपने घर पहुंचा था और नहा धो के 8:30-9 बजे मैं सेट पे पहुंच गया था. तो यू कैन से कि मतलब 3:30 बजे मेरे को रात को फाइनल किया गया और रात सुबह 9 बजे मैंने शूटिंग शुरू कर दी थी. तो मैक्सिमम 6 घंटे मुझे मिले थे इसके बीच में. तो उसमें आप कितनी प्रैक्टिस कितनी ट्रेनिंग कर सकते हो, बट हाँ सेट पे जाने के बाद एवरीबडी वॉज वेरी हेल्पफुल, सब ने मेरी बहुत हेल्प की. यू नो फ्रॉम क्रिएटिव अमोल सर हैं, देन अपने कमल सर थे और सिद्धार्थ सर तो ऑब्वियसली थे सेट पे, राहुल सर थे, सब ने बहुत हेल्प किया और जितने भी कोएक्टर्स भी थे सब ने मिलकर बहुत अच्छा किया और सबसे मुझे बहुत 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 सीखने को मिला. सो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हम सब इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे कुणाल, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आई होप आपको अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से सबका ढेर सारा प्यार और सक्सेस मिलती रहे. बहुत जल्द हम आपको और भी कई बेहतरीन शोज और किरदारों में देखें, स्मॉल स्क्रीन पर भी और सिल्वर स्क्रीन पर भी. ऐसे ही हमें अपनी शानदार अदाकारी से एंटरटेन करते रहिएगा. लॉट्स ऑफ लव, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड थैंक यू सो मच. हमसे जुड़कर हमारे सभी सवालों का जवाब देते हुए अपनी इस वंडरफुल जर्नी से जुड़े सुनी बातें शेयर करने के लिए बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. तो आखिर में कोई मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे? हाय मेरे फैंस, फ्रेंड्स, सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा यार कि लाइफ में पॉजिटिव रहो और अच्छा काम करो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो. अभी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है बट डोंट वरी, ठीक हो जाएगी. जस्ट हैंग ऑन, जस्ट रुके रहो, टिके रहो जहाँ पे भी हो. और सबसे प्यार करो यार, अपनी फैमिली से सबसे. जस्ट बी पॉजिटिव. और एक पॉजिटिव रहने से इंसान बहुत कुछ अच्छी काम कर लेता है, बहुत अच्छी चीज़ें कर लेता है. एंड और मेरे शोज देखते रहो यार, ऐसे ही प्यार करते रहो जैसे आप लोग हमेशा करते रहे हो. एंड आई लव यू ऑल एंड होप टू एंटरटेन यू एज लॉन्ग एज आई कैन. एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड अगेन लव यू ऑल. Yes guys, Chetna has started a YouTube channel. Please go and follow her. Subscribe to her channel. See her videos.